ये चार दिवसीय विज्ञान मेला जो है इसको भोपाल विज्ञान मेला कहते हैं और ये जो है एक एनुअल इवेंट है जो हर साल होता है और ये सक्सेसफुली आठवां इवेंट हम कर रहे हैं 2019 में। और इस भोपाल विज्ञान मेला के काफ़ी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इसमें एक तो 100 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं देश से और इसमें स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के आते हैं लाइक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इनके ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं और उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ का पार्टिसिपेशन रहता है। तो 100 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं और चार दिनों का जो हमारा पिछला जो अनुभव है करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग इस विज्ञान मेला का जो है उसको एंजॉय करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं विजिटर्स जो हैं। इस विज्ञान मेला को CSIR-AMPRI ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन न्यू दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान प्रसार और विज्ञान भारती, ये चारों जो हैं मिलके इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। विज्ञान भारती का इसमें काफ़ी अहम रोल है, वो शुरू से इसमें अटैच है और इस बार CSIR-AMPRI भोपाल इसमें टेक्निकल और एकेडमिक पार्टनर और सभी के साथ। इस मेले का जो उद्घाटन है वो माननीय श्री लालजी टंडन जी, हमारे ऑनरेबल गवर्नर मध्य प्रदेश करेंगे और इसके जो ऑनरेबल गेस्ट हैं वो श्री PC शर्मा जी, ऑनरेबल मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मध्य प्रदेश, और डॉक्टर शेखर सी मांडे, डायरेक्टर जनरल CSIR और सेक्रेटरी DSIR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होंगे। इसके अलावा इसके एक विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर यू राजा बाबू, जो कि प्रोग्राम डायरेक्टर हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में और प्रोग्राम डायरेक्टर वो एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट जो प्रोग्राम हुआ था उसके वो इंचार्ज हैं। और आपको याद होगा कि 27 मार्च 2019 को हमने एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट किया था अर्थ सरफेस से करीब 280 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर से थोड़ा सा नीचे करके कि स्पेस में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको भी डिफेंस पर्पस से उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वो उसके प्रोग्राम डायरेक्टर। अब इस प्रोग्राम में हमने 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस बार ऐड किए हैं और जैसे CSIR जिज्ञासा प्रोग्राम है बच्चों के लिए कि बच्चों को हम साइंस के लिए कैसे प्रोत्साहित करें, तो उनके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स कुछ लेक्चर्स हमने इसमें किए हैं। और CSIR इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है कि यंग इंजीनियर्स और जो ग्रेजुएट्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ में हैं या एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में हैं या लैब्स में हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट जो भी काम कर रहे हैं उस डायरेक्शन में और हम कैसे करें, तो उसके लिए हमने प्रोग्राम किए हैं। तो ये चार दिन का जो मेला है हम इसको मेला इसलिए कहते हैं कि इसमें आप साइंस भी डिस्कस करिए और इन्जॉय भी करिए। जो मूल उद्देश्य है आप सबको पता है कि ये मतलब जो प्रयास है वो ये है कि जो हमारे CSIR लैब में और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स में जो जो रिसर्च हो रही है वो अधिक से अधिक उसमें पब्लिक तक पहुंच सके। बेसिकली तो जो कनेक्ट है जो लैब टू लैंड जिसको कहते हैं कि लैब की सारी टेक्नोलॉजी हमारे किसी सामाजिक उपयोग में आ सके, ये हमेशा प्रयास रहा है विज्ञान भारती का और इसी कारण हम अनेक तरह की गतिविधियां आयोजित करते हैं। और भोपाल विज्ञान मेला चूँकि सतत रूप से 8 वर्षों से मनाया जा रहा है और भोपाल में बहुत पॉपुलर हुआ है, तो इसलिए एक एक सतत एक बहुत अच्छी एक प्रेस्टिजियस कहते हैं ना एक बहुत ही प्रभावशाली ये जो एक इवेंट बन गई है बेसिकली। और इसके नाम से ही सारे जो हमारे जो लैब लेबोरेटरीज हैं या जो डिपार्टमेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वो यहाँ पर बड़े आराम से आ जाते हैं बेसिकली। गत वर्षों में भी और इस वर्ष भी जैसे ब्रह्मोस है या मैंने आपको बताया ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उन सबका लाइव डेमो पब्लिक के लिए उपलब्ध रहता है।